एकदम से बंद हो गई बाइक, बंद हो गई एकदम से, नो पावर। ऑलराइट, टाइम टू जीरो द ट्रिप। 8,500 पे ट्रिप जीरो हुई है। टुडे इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्यूसडे मॉर्निंग। टाइम हो गया है 6:30। प्लान था 4 AM को निकलना, बट 4 बजे तो मैं लिटरली उठा था। रचित भी अभी निकले हैं, उनका मैसेज आया और आई जस्ट रश्ड एंड मैं भी निकल ही गया। हम सिर्फ 2 जने जा रहे हैं, सो नॉट रियली एन इशू टाइमिंग वाइमिंग का। वैसे मैंने ये एक बैग बांध रखा है, हाथ में रख रखा है। इसके अंदर मेरा वाइज़र है, हेलमेट का एक्स्ट्रा वाइज़र, मतलब कि टिंटेड वाइज़र जो दिन में काम आता है, और एक दो चीज़ें और है। सो ये मैं रचित भैया के बैकपैक में रखने वाला हूँ, जो मैंने खुद ने अभी बोलकर मंगवाया उन्हें उनसे, बिकॉज मेरे बैकपैक में कम्प्लीटली जगह ख़त्म हो चुकी है। एग्जैक्टली 1 साल हो गया बहुत लंबी राइड करे। लास्ट नवंबर 2022 में राइड हुई थी, उसके बाद 2023 के नवंबर में हो रही है। सो राइट नाउ आई एम ऑन माय वे टू 200 फीट बाईपास, वो ही है हमारा मीटअप पॉइंट। मुझे अंधेरे में निकलने की इच्छा थी, बट थोड़ा सा उजाला हो गया। ऑब्वियसली 6:30 बज गए तो हो ही जाता है सर्दियों में भी। ठंडी हवा लग रही है वैसे अभी बहुत, इवन दो आई एम वेयरिंग थिन फोर लेयर्स, बट बहुत जल्दी निकलते तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत हो रही होती है अभी तो मेरी ठंड से। ऑल्सो इस वाली राइड के बारे में अभी किसी को नहीं पता है, नो रिलेटिव, नो वन नोज दैट आई एम गोइंग टू गोवा। तो मैं सोच रहा हूँ दैट आई जस्ट डीएक्टिवेट माई इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर द टाइम बींग। कल भी राइड पे गया था मैं, सो आई एम अ लिटिल टायर्ड। आई वेंट फॉर अ 220-230 किलोमीटर राइड, और उसके अंदर ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा थी, सो आई वाज टायर्ड द एंटायर डे यस्टरडे। रात को आई स्लेप्ट एट व्हाट 9, वोक अप एट 10 अगेन, देन वेंट टू स्लीप एट 1, वोक अप एट 4, सो आई हैड 4 आवर्स ऑफ स्लीप लास्ट नाइट, विच इज़ डिसेंट इनफ, ऑल्दो आई नीड 8 आवर्स ऑफ स्लीप। और आजकल आदत हो गई है, ऐसा रचित भैया तो आए नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा लगा हुआ है बैग, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इसको लगाया मैंने। दिस इज़ अ राइनॉक्स पैनियर बाय द वे, नॉट व्हाट डू यू कॉल इट, जो भी बैग होता है, नॉट अ टेल बैग बेसिकली। दिस इज क्या बोलते हैं उनको यार, हाँ सैडल बैग, दिस इज़ अ राइनॉक्स सैडल बैग एक साइड का, विच आई एम यूजिंग एज अ टेल बैग। 13 मिनट पहले मैसेज आया था, अभी तक नहीं आया यार। 2000 years later कितना इसके चक्कर में लेट हुए हो? अबे अभी वहां से जाकर आए हो? अरे वहां घर के पास वाले। अबे 10 बजे खुलता है भाई, आ जाएगा क्या इसमें यार? घर वापस घर वाले मारेंगे भाई, इतना टाइम क्यों लगा? पहले चाबी भूल गया एक्स्ट्रा, जब मैसेज करा लीविंग तब क्या हुआ? उसके बाद चला गया, हाँ। चाबी लेने घर आया। किसकी चाबी? किसकी एक्स्ट्रा चाबी। अच्छा, फिर आरसी और पोल्यूशन याद आया तो लैंडस्केप से पोल्यूशन लेकर आया, हाँ। फिर निकला भाई साहब, मैंने कहा बार बार लीविंग करता रहूंगा तो बोले कि क्या बकचोदी चल रही है यहाँ पे, आ तो जाना चाहिए यार। आ जाएगा, डाल दो तो हटाओ ना इसे यार। अब क्या सिगरेट भी नहीं गया आपको? एक मदद कर दो क्या, ये टाइट कर दो यार। अरे मेरा खुद का ही देखो, आप हालत देखो, एक बार साइड में जा रहा है पता है, बहुत टाइम बाद लगा रहे ना, आइडिया नहीं है। रिकॉर्डिंग बंद कर दी क्या? क्यों नहीं करूंगा बताओ क्या हुआ? अरे ऑल राइट रेडी, सब राइड हम इंडिया जा रहे हैं, सब ये यहाँ रहेगा पूरी राइड ऐसे रख करने वाले हो? लेट्स गो।
चलो चलो ओके द राइड फाइनली स्टार्ट्स एट 6:50 लेट्स गो ये क्या है भाई UN yeah ओके डन 24 किलोमीटर्स ठीक है 24 भी नहीं हुए 23.6 कांड हो गया कांड क्या कांड हुआ है नंबर प्लेट टूट के गिर गई भाई टूट के गिर गई टूट के ये रहा आधा नंबर प्लेट ये लद्दाख जैसा सीन हो रहा है भाई वैसे ही मजे करेंगे इस बार हाँ पर वो पंजाब में जाके गिरी थी ये तो घर के पास ही गिर गई भाई कोई मुंबई में बनवा लेंगे मुझे लगा भाई टेल बैग गिर गया हाथ लगा रहा है ठंड लग रही है यार हाँ मुझे लग रहा है अहमदाबाद से क्या अभी दिन में तो कम हो जाएगी शायद एयर सीट का कुछ नहीं हुआ फिर इसमें तो वैसे वाइड है बहुत वाइड का लाओ मेन बात है एयर सीट लगती कहाँ है देखेंगे आपने लगाई है एयर सीट मेरी तो भाई कल सिर्फ 200 किलोमीटर में ही बिना एयर सीट के हालत खराब हो गई थी ये इस बैग का टैग है इस फ्लाइट का फ्लाइट वाइट का है फ्लाइट का ही है पेट्रोल में डाल दो वेट 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 देयर इज अ स्टारबक्स हियर 90 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर अच्छा यहाँ सीसीडी और ये सब है ओके Yeah, I remember this place. अभी तक we have not taken any break. Most probably अजमेर के बाद छोटा मोटा ब्रेक लेंगे उदयपुर अहमदाबाद मुंबई एग्जैक्ट जो हम कर रहे हैं आज ही मतलब आज तो मुंबई नहीं पहुँच पाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली कल सुबह तक पहुँचेंगे बट डेफिनेटली एक बार में ही पहुँचेंगे सही कर दी यार ये वाला हाईवे 2018 के बाद आई थिंक इधर से मैं पहली बार ही जा रहा हूँ एग्जैक्टली 5 साल बाद ये वाला हाईवे कर रहा हूँ मैं वापस मतलब जाते हुए और गोवा ही जा रहे हैं लास्ट टाइम भी वहीं गया था मैं ठंड बहुत हो गई यार कम ही नहीं हो रही टाइम क्या हो गया इट इज कितना बज रहा है भाई 8:20 श्रीनगर 13 किलोमीटर ये क्या था भाई ये क्या था मन्नत मन्नत तो बड़ा है ना यार नहीं अच्छा। दिल्ली में तो है बहुत बड़ा या तो एक कॉपी है हो सकता है भाई ठंड बहुत लग रही है यार अब तो नहीं लग रही पैरों में लग रही है मेरा तो मैच है भाई मैं तो पतला पतला जीन्स है एकदम अब तो एयर सीट लेके चल रहे हो मजे से भाई साहब फिर भी आपकी जितनी कंफर्टेबल नहीं है मेरी आपकी वाइड है ना भाई कैसे नहीं बैठ पा रहे होंगे यार बहुत कंफर्टेबल है मुझे की थाली में घी ज्यादा लगे भाई ये कौन बोले हैं लोग वो तो सेम चीज हो गई आपके साथ भी चाहे तो आपके हैं ये पास तो सही खींचा सही खींचेंगे पूरा ही अभी कहां था क्या ऐसा आई थिंक पूरा कंप्लीट बॉम्बे तक आई थिंक सो नया बन गया ना क्योंकि पहले तो इतना भी नहीं था पहले तो
अजमेर के जैसे ही जो लेफ्ट लिया था ना अपन ने, उससे ही फिर डाइवर्जन डाइवर्जन डाइवर्जन, ये तो सब नए बन गए। अच्छा। पहले तो डाइवर्जन ही डाइवर्जन थे हर हर 200 मीटर में, बहुत बुरी हालत थी। टाकी टाकी आ जाओ यार हाईवे की, क्या आ जाओ यार हाईवे की। अच्छा ये इतना टेढ़ा ही था क्या, इतना टेढ़ा चल रहा है क्या ये बैग, इतना टेढ़ा। क्या हो गया रचित भैया, तुम पूछ रहे हो काम गए पूरा बैग वाला। ऑलराइट टाइम हो चुका है 10, वी हैव डन 210 किलोमीटर्स। अब मैं क्लियर से क्लियर वाइजर चेंज करके लगाऊंगा स्मोक्ड वाइजर, दिखना ही बंद हो गया था यार। ठीक है यार, वैसे आई थिंक वी लेफ्ट एट 7ish, उसके हिसाब से तो 3 घंटे में 200 किलोमीटर ठीक है। ऑलराइट वाइजर चेंज हो गया है, यहाँ पे वॉशरूम यूज़ कर लिया है, अब थोड़ा सही से दिख रहा है मुझे सब कुछ, इतना ज़्यादा ब्राइट ब्राइट दिखने लग गया था। टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, कितने बज गए अभी, ऑलमोस्ट 11:30। क्या एसिडिटी होने लग गई, मतलब खाना नहीं खाने से खाली पेट है ना। अच्छा 280 किलोमीटर डन, चेन सूखी है ना, ये गोल्डन आपने कलर करा है क्या इसमें, गोल्ड चेन है, आती है गोल्ड चेन ब्रास की, हाँ गंदी हो गई ये तो, कल भी जाकर आ गया ना मैं, उसके बाद नहीं करी मैंने, कल सुबह करी थी लूब और चेन साफ दोनों ही। खाना क्या है आपको अभी, शुद्ध शाकाहारी आइस पार्लर वेल कॉम, देखते हैं। ऑलराइट हैड आवर ब्रेकफास्ट एट 12, व्हेन पीपल वर हैविंग देयर लंच, तो अपना तो ब्रंच हो गया ब्रंच, अब बस नो स्टॉपिंग टिल एट लीस्ट टिल अहमदाबाद, मतलब पेट्रोल वेट्रोल भरा के निकलेंगे, मे भी उदयपुर में छोटा सा एक ब्रेक ले लें 10 मिनट का। उदयपुर 133, अहमदाबाद 388, मुंबई 852, यहाँ पे कोटा क्यों लिखा हुआ आ रहा था, अच्छा हाँ आता है यहाँ से भी आता है, चित्तौड़ की साइड से आता है आई थिंक। लास्ट फ्यूल स्टॉप से एग्जैक्टली 300 किलोमीटर हुआ है, ये तो पेट्रोल डाल रहे हैं डीजल है। आपकी चल गई 300 किलोमीटर 8 लीटर में, मेरी चलिए 300 किलोमीटर 10.5 लीटर में, 2.5 लीटर का फर्क है। रुका मैं जा रहा हूँ आपके एकदम से बंद हो गई। बाइक बंद हो गई एकदम से, नो पावर। व्हाट द या तो बैटरी का टर्मिनल लूज हो सकता है क्या, एकदम से बंद हुई है, हाँ झटके देके तोड़ दो ये, नहीं नहीं एकदम से, इसको चेक करिए ना, हो सकता है एक बार ये भी तो देख लूं पहले। ये हो रहा है भाई कांड, हंस रहे इतनी देर से मेरे पे आप पे। ऑलराइट सो बैटरी कंप्लीटली खराब ही हो चुकी है, उसके अंदर कोई करंट नहीं आ रहा है, सो आई एम टेकिंग रचित भैया मोटरसाइकिल और मैंने मेरी मेरी बाइक की बैटरी निकाल ली है, अब इसको यहाँ पे एक देख बैटरी वाला है तो उसके पास जाऊँगा मैं पहले,
उसके अगर वहाँ नहीं होता है तो फिर आई गो टू समवेयर इन उदयपुर आई गेस। संभाल के थोड़ा हैवी इंजन पावर है क्या भाई, चल ही नहीं रही है तो। So, मैंने रचित भैया का बैकपैक लिया है और उसके अंदर बैटरी डाल ली है। नाउ ऑन द वे टू सी इफ देयर इज अ मोटरसाइकिल बैटरी अवेलेबल 14 एम्पियर में मिल जाए। है क्या कोई बैटरी? भाई बैटरी तो है भैया, अपने बैटरी मिलती है क्या मोटरसाइकिल की? मोटरसाइकिल की बैटरी मिल जाएगी क्या? हाँ कहाँ मिल सकती है? इस जस्ट साइड में भैया बैटरी मिल सकती है मोटरसाइकिल की? रॉयल एनफील्ड? हाँ एमरॉन की? कितने की है दिखाओ जल्दी यार, टाइम ही नहीं है, मेरी बाइक खराब हो गई आगे। कहाँ पे पड़ी है गाड़ी? 1 किलोमीटर। ये तो चौड़ी ज़्यादा नहीं है, 14 एम्पियर में ये वाली है? नहीं मेरी ऐसी लंबी वाली है, मेरी ऐसी लंबी है तो लगेगी नहीं ना इसके अंदर। कैसे लगेगी उसका, जगह ही इतनी सी रहती है ना। ये है अभी वारंटी में, अभी वारंटी में। और क्या, ये कार्ड वार्ड सब है इसका, चार्ज नहीं हो रही, देखो लगा के आप। एक काम करो ना, ऊपर से मत कीजिए, उसको मत बताना ये क्या ये बच चुके हैं, बाइक अब रेडी है फाइनली। बोथ ऑफ दीज आई रोड दिस मोटरसाइकिल इनटू उदयपुर। कितना कितने पे निकला था आपको पता है? मैं कम से कम 60-70 किलोमीटर तो हो गई होगी है ना। अब नई बैटरी लगा दी है, सब कुछ रेडी है, बस एक प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज There is no speedometer. Light, white, सब कुछ काम कर रही है, पर speedometer अब काम नहीं कर रहा है। I don't know why. Also, मेरा chin mount, मतलब helmet गिर गया था तो chin mount निकल गया है। So, इसको मैं आगे ही निकालूंगा, मतलब आगे ही कहीं जाके लगाऊंगा MCL से। And that's about it. See you on the next stop. Bye bye. अहमदाबाद इज स्टिल 120 है ना। यहाँ पे खाना खाने की सोच रहे हैं, बट आगे इससे अच्छा मिल जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ अरे ऑनलाइन बुक किया है, खुल जा सैमसंग।
कौन से लेना है आपको? मैं तो ये ले रहा हूँ फिर। ओके इतने रूल्स एंड रेगुलेशन है भाई, आप तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे नॉन वेज अलाउड है, वो रचित भैया रह नहीं सकते, ना यहाँ पे अल्कोहल अलाउड है, ना यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड है, तो रचित भैया अलाउड नहीं है। ऑलराइट गाइस, नहीं मैं ब्लॉगिंग भूल चुका हूँ कम्प्लीटली, क्या बोलना है कुछ याद नहीं आ रहा है। We have such similar choices as your kids. पराठा मैं प्लेट खा लो, इसमें क्या है? This is the room we stayed in last night. पूरा सामान पैक ही है कम्प्लीटली, कुछ खोला ही नहीं था, जो कपड़े कल पहने थे वही वापस पहन दिए, बस एक जीन्स चेंज करी है मैंने। बार बार हो रहा है ये। हाँ भाभी एक और जन आया था, अब पूरी खटखट आएगा ना उसको अंदर ही। ये टूट चुका है माउंट, ये आज जुगाड़ करेंगे इसका। आई हैव एन एक्स्ट्रा माउंट जरा उस कैरी, इसके ऊपर से 3 MP टेप हटा के इसके ऊपर MC लगा के इसके ऊपर कर देंगे जुगाड़। एंड What else? Anything else, brother? तो जिससे booking कराई वो भी कितना पड़ जी? जोड़ा? हाँ। क्या? नाम ही कितना पड़ जी? सौ। अगोड़ा। फिर चार्ज आज को तो rate list in case of damage condition misplaced। ठीक है? Alright, this is the parking. बहुत ही भयंकर खाली। इधर दो चैट मोटरसाइकिल्स खड़ी है। Packed completely। इस गाड़ी के पीछे क्या लिखा हुआ है? परिंदा। I won't be vlogging much till I find MC. उसके बाद लगाने के बाद I'll अरे हाँ shit, आपका बैग कहाँ है? चेन खत्म हो गई आगे। 15 अगस्त रॉकेट है ना। वाह क्या हुआ भाई, कैमरा उल्टा लगा दिया यहाँ लगा रखा है। अच्छा मुझे अजीब तो लग रहा था थोड़ा, मतलब ये ऐसे इधर देखता है। हाँ इधर दिखना चाहिए। ओ मैं मुझे याद आ गया, नहीं तो भाई साहब पूरा का पूरा मुंबई तक हेलमेट रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड करके आ जाते बड़ 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 की आवाज, मतलब काला काला क्यों दिख रहा है? अरे नहीं यार बिट जाओगे। हाँ एक ग्लव तो पहन लो। और क्या यही थे? इससे पूछो एमसील लगता है क्या? गूगल मैप डालू क्या? और क्या बीच में एमसील नहीं मिली तो? अरे यार इतना बड़ा वो है, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। आँखों में पसीना पसीना हो गया है। क्या कर रहे हो अब आप? मोगली 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 इज इनसाइड। अच्छा फाउंड अ हार्डवेयर शॉप ऑन द हाईवे, जैसे ही हम निकले वहाँ से मैंने एमसील खरीदी और ये माउंट लगा दिया। अभी हम लोग रुके थे यहाँ पे, रचित भी आने पी रही सिगरेट, बच्चों आना है। इसका तो बहुत इच्छा हो रही थी अभी आने की, तो अब ये सूख जाएगा आधे घंटे में, देन आई विल स्टार्ट ब्लॉगिंग अगेन।
लैब्स इन अहमदाबाद। And so finally after 24 hours the recording has begun again. 24 hours bro, 2 baje band nahi kara tha, band hi ho gaya tha, uske baad ye bechara gir gaya tha helmet, fir iska mount toot gaya tha, ab start ho gaya hai. All right, so we are kitne kilometer kar liye apne, mere ko to speed bhi nahi pata, mujhe to kuch bhi nahi pata, Ahmedabad se kitne kar liye idea nahi hai, around 12 nikle the shayad apan. There's nothing on the screen, absolutely nothing. We've ridden an hour and a half from Ahmedabad, matlab uski jo ring road hai wahan se. I think we are somewhere near Anand, Gujarat, Kheda, something, I don't know. And it feels good to be back. Abhi tak ka to highway bahut acha hi raha hai. I think pura Mumbai tak aisa hi hai. Speed beat kuch dikh rahi nahi hai mujhe, petrol kitna hai kitna nahi hai kuch nahi dikh raha mujhe, odometer nahi dikh raha mujhe, ट्रिप मीटर वीटर कुछ नहीं, कुछ आइडिया नहीं है मुझे, हम जस्ट राइडिंग, हम कंसिडरिंग इसको हटाने का, क्योंकि अब तो जयपुर जाके सही होगा ये, क्योंकि वहीं टाइम मिलने वाला है और वहीं कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या जो भी होते हैं जो सही करते हैं. कल से रोड पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हाईवे पे मतलब मिस कर दी है मैंने रिकॉर्ड करने से. बॉम्बे लेफ्ट, बॉम्बे कहाँ से निकलेगा? बॉम्बे ऊपर ऊपर से ही. अच्छा धन्यवाद. तो लेफ्ट लिख क्यों रखा था बेवकूफ ने, ठीक है नया बन रहा है या क्या सीन है पता नहीं. इसके पीछे शक्तिमान लिखा है, कंपनी का नाम है या फिर इस चीज का नाम है? बर्गर किंग या सबवे? ओहो हो, अरे यार इस सिगरेट चलो ना. I think I've been riding without any air in the seat from Jaipur. क्योंकि अभी अभी हवा भरी है, completely out थी, इसलिए बहुत uncomfortable लग रहा था मुझे अभी तक. पेट अच्छी तरह भर गया है. I don't think I will need another break till Mumbai. Time हो गया है 3:30. मुंबई दिखा रहा है 7.5 hours, 400 किलोमीटर्स. पहुंच जाएंगे 6.5 घंटे में 10 बजे तक. ट्रैफिक तो बहुत है इस वाले हाईवे पे. मीटियोर, अरे इतनी सारी चेयर्स. अच्छा प्लास्टिक वाली है, ओके ओके प्लास्टिक है, बूढ़े ने पता नहीं. हाईवे पे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए यार.